चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार चुनावों की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे ही बिहार की सियासत भी तेज होती जा रही है। सभी पार्टियां वोटरों को लुभाने की कोशिशों में जुट गई हैं। इसी बीच कांग्रेस ने दरभंगा के जाले से मशकूर अहमद उस्मानी को टिकट दे दिया है, जिसे लेकर बिहार की सियासत का पारा गर्म हो गया है। अहमद उस्मानी को टिकट दिए जाने पर बीजेपी और जेडीयू सवाल खड़े करने लगी है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी अपने प्रत्याशी का बचाव करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। तो वहीं कांग्रेस बीजेपी को अपने गरिमा में झांकने का कह रही है। रिपोर्ट देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। जाले विधानसभा सीट से मशहूर अहमद उस्मानी को कांग्रेस ने टिकट दिया है, जिसके बाद बिहार की सियासत में हंगामा मच गया है, जिसकी वजह यह है कि उस्मानी पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष रहते हुए जिन्ना की तस्वीर कमरे के अंदर लगाने का आरोप लगा था, जिसे लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अब बिहार चुनाव में कांग्रेस जिन्नावाद के नाम पर लड़ना चाह रही है। क्या कांग्रेस पार्टी और गठबंधन आरजेडी जो महागठबंधन है, ये भी जिन्ना के साथ पूरी पार्टी पूरा बिहार का चुनाव जिन्ना के रास्ते पर होगा? अगर जिन्ना के रास्ते पर होगा, क्या इनका स्टार प्रचारक सरजिल इमाम होगा? वोट के खातिर ये देश को कहां ले जाना चाहते हैं? देखिए, सबको ही जानता है कि देश का विभाजन नेहरू जी और जिन्ना के आपसी कलह के कारण हुआ, लेकिन थे दोनों सौतेले भाई। तो कांग्रेस पार्टी का फिर से सौतेले भाई पे प्यार उभर आया है, तो जिन्नावादी को टिकट दे दिया, ये उनके पार्टी का मामला है वैसे। लेकिन जहां तक रही जाले सीट, तो मैं आपको बता दूं, ये कांग्रेस की के आपसी वर्चस्व की लड़ाई है। एलएन मिश्रा के परिवार को आगे नहीं बढ़ने देना मदन मोहन झा की फितरत है, वही उन्होंने किया, कौन सी नई बात है? कांग्रेस अपना भट्टा अपना सर्वनाश खुद ही करती है। ले आई ना बिहार चुनाव में जिन्ना को, अब भुगते कांग्रेस पार्टी। वहीं कांग्रेस अपने प्रत्याशी के समर्थन में उतर आई है। पार्टी के प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि जब कोई मुद्दा नहीं मिलता तो बीजेपी ऐसी ही बात करती है। कांग्रेस नेता ने कहा कि बीजेपी को पहले अपने गिरेबा में झांकना चाहिए। जो पार्टी गांधी की हत्यारे गोडसे का महिमा मंडन करती है, उसे सदन भेजती है, वाद सवाल कैसे खड़े कर रही है। साथ ही कहा कि उस्मानी ने कभी जिन्ना का महिमा मंडन नहीं किया है। तो वहीं आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि कांग्रेस के जाले उम्मीदवार के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, कांग्रेस ने सोच समझ कर उम्मीदवार तय किया होगा, हमारे लिए आज मुद्दा जिन्ना नहीं है। बिहार के दरभंगा जिले के रहने वाले मशकूर 2017 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव जीते थे। इसके बाद वह चर्चा में तब आए जब 2018 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र संघ के हॉल में मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर पाई थी। इसके बाद बीजेपी सांसद ने कुलपति को चिट्ठी लिखकर इस पर आपत्ति भी जताई थी। हिंदू युवा वाहिनी ने तो तस्वीर हटाने की मांग को लेकर बाकायदा प्रदर्शन भी किया था। तब छात्र संघ अध्यक्ष रहे उस्मानी ने बाद में कहा था कि वह जिन्ना की विचारधारा के खिलाफ है, लेकिन जिन्ना देश का एक ऐतिहासिक तथ्य है। बहरहाल मशकूर अहमद उस्मानी को टिकट दिए जाने पर कांग्रेस पर संकट खड़ा होता दिख रहा है, लेकिन अब देखना होगा महागठबंधन में कांग्रेस के साथ में खड़ी आरजेडी की साख पर क्या प्रभाव पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।